तुम लोग को बुलडोजर से चिपक मुरा देंगे आप लोग को, ऐसा ऐसा बोल के बोलने लगे हम लोग को। और बोलता है कि अगर घर नहीं खाली करेगी तो तोड़ देंगे। कौन लोग आते हैं? वो कोमोछा का जितना लड़का रखा, इतना गंदा गंदा गाली भी दिए हैं। 2007 में जो हम लोग के साथ हुआ था, बाल पकड़ के थप्पड़ भी मारे थे, इतना गंदा गंदा आदिवासी बोल के गाली भी दिए थे कैप्चर करने के पहले कि इतने सारे परिवार रहते कहाँ जाएंगे। तो तुम लोग को तो कीड़ा मकोड़ा के जैसे हम लोग कुचलना चाहते हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो हम बोले कि हम लोग गरीब है तो इसका मतलब हम लोग का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो तुम लोग क्या हो हम लोग के सामने, ऐसे ऐसे बोलते हैं। लालपुर स्थित आरके कंस्ट्रक्शन में रह रहे हैं नेपाल चंद्र प्रमाणिक और वहां रहने वाले 21 परिवारों ने उनके जमीन पर कब्जे की बात मीडिया के सामने रखी। उनका कहना है कि 1960 से ही हुए लोग उस जगह पर रह रहे हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी कुमुद झा के द्वारा जबरन 20 साल से सफाई के नाम पर, कंस्ट्रक्शन के नाम पर जमीन से भगाने और दबाने की सरेआम साजिश और कोशिश की जा रही है। हालांकि यह मामला कोर्ट में है, बावजूद इसके कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। साथ ही असामाजिक तत्व, भू माफियाओं, दलाल के द्वारा बदतमीजी और मारपीट भी की जाती है। मेरा नाम मुनी देवी है, हम यहाँ महेंद्र कॉलेज कैंपस के अंदर में रहते हैं। यहाँ हमारे साथ बहुत सारे अत्याचार होते हैं, हमारे साथ मारपीट भी हो रखे हैं। 2007 में हमारे साथ मारपीट हुए हैं। क्यों किया? कुमुद झा और अनेक लोग भी थे, पर उतना हमारे पास पहचान नहीं है। ये हम लोग पीछे इधर ही रहते हैं और बहुत सारे परिवार भी रहते हैं, कम से कम 22-23 से ज़्यादा ही है। हम लोग को यहाँ डराया धमका भी जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ यहाँ ये बोला जाता है कि हम लोग घर खाली करो आग लगा देंगे, बोला जाता है हम लोग को। आपने नहीं कहा क्यों आग लगाइएगा? हमने कहा हम लोग क्यों आग लगाइएगा? हम लोग यहाँ रहते हैं, आप लोग को दिखाई नहीं देता है? यहाँ का जगह लेने के पहले आप लोग को सोचना चाहिए था कैप्चर करने के पहले कि इतने सारे परिवार रहते हैं कहाँ जाएंगे। तो तुम लोग को तो कीड़ा मकोड़ा के जैसे हम लोग कुचलना चाहते हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो हम बोले कि हम लोग गरीब है तो इसका मतलब हम लोग का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो तुम लोग क्या हो हम लोग के सामने, ऐसे ऐसे बोलते हैं। ऐसे इतना गंदा गंदा गाली भी दिए हैं। 2007 में जो हम लोग के साथ हुआ था, बाल पकड़ के थप्पड़ भी मारे थे, इतना गंदा गंदा आदिवासी बोल के गाली भी दिए थे। आपने अपने लोकल थाना में इस बात की जानकारी? हमारे ये इस बारे में 2007 के बारे में अभी केस चल रहा है। तो आपके साथ जो हुआ वो 2007 में हुआ? हाँ। अभी 2022 है, तो इस दौरान आपके साथ वापस से कुछ उन्होंने मिसबिहेव या किसी तरह से धमकी? अभी भी चल ही रहा है यहाँ पे। जो जैसे मानिए वो साइड भी पूरा फुलौटी एक ही है, पर अभी 2011 के 12 के बीच गारे ना गारे के बीच में धोखेदारी से यहाँ बाउंड्री कर दिया है। हम लोग उधर और इधर मिला के 22-23 से ज़्यादा परिवार है, वही हिसाब से उधर भी धमकी दे रहा है और उधर प्लस काम भी चालू कर दिए हैं, पूरा कुआं जैसा गड्ढा कोड़ दिए हैं, तालाब जैसा, मतलब रहने के लिए सब लोगों को दिक्कत हो रहा है। कभी कभी रास्ता में गाड़ी खड़ा कर देते हैं, बंद कर देते हैं। आगे का पोजीशन जो महेंद्र प्रसाद कॉलेज जो पहले ज़माना का जो बिल्डिंग था पुराना, उसको मतलब कि धसा दिए हैं और आगे का पोजीशन में पूरा ऊँचा कर दिया है। देखिए अभी भी यहीं से दिखे रहा है, ताकि बाहर का लोग आए तो खाली मट्टी दिखे, पीछे जो काम हो रहा है वो नहीं दिखे। एक महीना पहले भी हो चुका है। क्या विनती आप करना चाहते हैं प्रशासन से? क्या हम लोग यहाँ रहते हैं, ये हम लोग का प्रूफ है, जबकि हम लोग का भी इस केस के विषय में एक केस चल रहा है। हम लोग का ऊपर भी, हम लोग के ऊपर में जमीन का सब चीज़ का यहाँ केस चल रहा है। वह बच्चा लोग को भी दे देता है, जब बच्चा लोग को भी केस कर देता है छोटे छोटे बच्चे। एक महीना मैंने इस काम को रोकने के चलते भी हम लोग उठाए, आवाज़ उठाए, पर प्रशासन का पुलिस भी नहीं सुनता है हम लोग का बात। हम लोग कहाँ क्या बोले, यहाँ पर जैसे यहाँ एक महीना पहले से ही काम चालू है, तो जब स्टार्टिंग हो रहा था उस समय भी हम लोग रोकने की कोशिश किए, वहाँ पर भी मारपीट हुआ था। ये तो भाभी को भी मैंने किधर गए, रीना
वो भाभी को भी हुआ था, उससे भी पूरा बासा बस पूरा हाथ उठा दिया था। है बाउंड्री से एक महीना पहले देख के उधर पार हुए और मैंने बंद करके रखा था। हाँ। तो तीन लेडीज थी, बुढ़िया बुढ़िया लेडीज वो लोग थी, तो वो लोग पूरा पटक के वो लोग उठा रही थी, उसको मारने के लिए खोज रहा था। तो हम इधर से गए, दो ईटा बीछे दोनों हाथ में, और हम बोले कि क्यों आप लोग मारिएगा हम लोग का जब ये कर रहे हैं, तो बोल के तो क्या बोल रहा है तुम लोग को बुलडोजर से चिपक मुरा देंगे आप लोग को, ऐसा ऐसा बोल के बोलने लगे हम लोग को। कौन ऐसा बोले? कुमू झा का जितना आदमी है वहाँ सब मट्टू लग लग जितना था वहाँ सब बोलने लगा था, जितना दलाल वहाँ घुसा हुआ है ना सब बोल रहा है, और हमको बोल रहा है का तुम अनपढ़ है गंवार है ऐसा ऐसा बोल के बोल रहा है, तुम कहा ऐसा हमको बोलेगी बोल के खूब शरार। हम पूरा गेट बंद कर दिया, लास्ट में आए दरवाजा खोले तब पूरा लेडीज गई, तब ही किया हम लोग को, और सब लेडीज को यहाँ कुचल के मुरा देंगे बोल के ऐसा ऐसा बोलने लगा था। कंप्लेंट किया थाने में तो उसमें से कोई पकड़ा गया? तो हम लोग को कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं कार्रवाई नहीं होता यहाँ पे। वहाँ गए फिर ऐसा रास्ता से भी गुजरेंगे तो ऐसा बोलता है तुम लोग बोलने वाली हो गई है, तुम लोग को बताएंगे हम लोग जाके रास्ता में कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग जहाँ पाएंगे वही आप लोग को हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा ऐसा बोल के हम लोग को बोलते हैं, धमकी देते हैं हम लोग को, बोलने का सभी दी ही नहीं है ऐसा बोलता है, बोलता है। गेट को तो पूरा बंद करके रखता है, हम लोग को घुसने भी नहीं देता है, हम लोग 10-12 लेडीज जाते हैं रात में सोने के लिए, एक झोपड़ी लगा के वहाँ पे है, हम लोग प्लास्टिक का घेर ले है और झोपड़ी लगा के है वहाँ, वहाँ पर ही हम लोग जाते हैं तो दरवाजा बंद कर देता है, कितना मुश्किल से ठक ठक आते है दरवाजा तब खोलता है, एक आदमी उधर से आते है एक आदमी इधर से जाते है, तब खोलता है। जो जो घेरा लगाते है उसको भी तो पूरा छीन को नोच उच के, जो झोपड़ी हम लोग लगाए हैं प्लास्टिक को घेर के रहे है उसको तो पूरा हटा दिया, आग लगाने के लिए खोजा हम लोग को, बोल रहा कि आग लगा देंगे, और आग लगा दिया, दो साड़ी को घेर रहे थे दो साड़ी को भी आग लगा दिया, ऐसा ऐसा किया है हम लोग प्रति। सब कोई आता है, हम बिरसी है, बिरसी देवी, मेरा घर में जितना कोई उन लोग लड़का लोग रखा है वो लोग हमेशा आएगा मेरा घर में, हमेशा धमकी देता है और बोलता है कि अगर घर नहीं खाली करेगी तो तोड़ देंगे। कौन लोग आते हैं? वो कुमोझा का जितना लड़का रखा, नाम आपको पता है? नाम नहीं पता, मतलब कुछ कुछ का पता है कुछ कुछ का नहीं पता है, नाम एक तो मोटू है और लादू है और मनन मनन है शेखा, और उसका एक तो ये का नाम है कह रही हूँ कुमोझा का, वो कुमोझा का भी आए हैं कि नहीं पर्सनली? आते हैं खाली उसका आदमी यहाँ आते हैं, लेकिन सबको यही दर कुछ नहीं बोले, नहीं खाली वही लोग लड़का लोग हम लोग को हमेशा धमकाते रहते हैं, तुम लोग घर में खाली करेगी तो आग लगा देंगे, चाहे कि घर में पूरा धसा देंगे, बुलडोजर से ही सबको बोला है। और मेरा हम लोग एक साथ है सब रहते हैं, कितने सालों से रह रहे हैं? करीब हो गया 100 साल से ऊपर, मतलब इनका दादा दादी सिवा का बड़ा है। ये जो प्रॉपर्टी है लेडी रानू प्रीति मुखर्जी का, लेडी रानू प्रीति मुखर्जी का है, और उससे हम लोगों ने 1986 में लिया और तब से हम लोग दखल कब्जे में। मेरे बगल में जो बैठे हुए हैं ये लोग यहाँ 1960 से रह रहे हैं पूरा फैमिली के साथ में, अपना करीब करीब 24 परिवार इन लोग का है, 2-2.5 आदमी लोग। जब लेडी रानू प्रीति मुखर्जी का देहांत हो गया तो कुमुद झा उनके जो परिवार के लोग थे तथाकथित लोग, उन लोग से पावर वगैरह लेकर के अपने और अपने जो रिश्तेदार उनके एक हैं आलोक चौधरी, उनको पावर दिलवा दिया और कुछ ज़मीन अपने नाम से रजिस्ट्री करवा लिया और कुछ ज़मीन एक बोल बिल्डर करके उसके नाम से रजिस्ट्री करा लिया। और मेरा केस जो है वो चल रहा है आपको सिविल कोर्ट में, इसका नंबर है 333/2006। उसमें आके वो खुद पार्टी बने और बोले कि हमको बोनाफाइड परचेजर घोषित किया जाए 2010 में। तब से वो मैटर उनका उनका डीड जो है वो सब जुडिस है वहाँ पे, और वो केस लड़ रहे हैं। इसी दरमियान सारे तथ्यों को छुपा करके नगर निगम को गुमराह करके वहाँ से नक्शा पास करवा लिया अपना,
और गलत तरीके से अपना मोटिशन कराया, जो अभी मैटर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, WPC 23/25/2021। सर ये जो मामला है इसमें आप लोगों ने भी अभी तक रजिस्ट्री नहीं करवाया, कहा जा रहा है कि ये जो जमीन है ये लीज पे ली हुई है, ये कितनी सच्चाई है? ये जमीन अब्सोल्यूट लिया हुआ है मेरा 1986 में लेडी रानू प्रीति मुखर्जी से, और तब से हम लोग दखल कब्जा में है, ये जमीन लीज की नहीं है, और हम लोगों ने इंटायर प्रॉपर्टी के लिए परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस कर रखा है, जिसका नंबर मैं पहले बता चुका हूँ। उसी में कुमुद झा करके खुद से पार्टी बने और कोर्ट से दरखास्त किया कि हमको बोनाफाइड परचेजर घोषित किया जाए, अपने डीड को वहाँ पे ला करके दिया, बोला कि हमने इसमें लिया है, हमको बोनाफाइड परचेजर घोषित किया जाए, जो कि अब तक कुछ नहीं हुआ है और केस लंबित अवधि में है। इस बीच में जब इन्होंने ये सब निर्माण कर चालू किया तो हम लोगों ने कोर्ट में पिटीशन दिया कि इनको तत्काल जो है रोका जाए, चूँकि मैटर सब जूडिस है और हम लोगों का दखल कब्जा में है। तो कोर्ट ने आदेश दिया 1/9/1992 को कि यथा स्थिति बहाल रखा जाए तब तक जब तक कि अंतिम सुनवाई के बाद फैसला नहीं हो जाता है। लेकिन ये लगातार कोर्ट की अवहेलना करते रहे, कोर्ट से अपने आप को ऊपर समझते हैं, पुलिस इनका कुछ नहीं कर सकती है, इनके मन में यह निर्माण का शुरू कर दिया। पुष्टि आप कैसे करेंगे? हम दे चुके हैं, देखिए आप वो कैमरे को दिखा दीजिए, ये देखिए ये जो निर्माण कुमुद झा के द्वारा की जा रही है, इसके इसके लिए आप लोगों ने कहीं आवेदन दिया? हाँ दिया, हम लोगों ने आवेदन दिया, थाना में दिया, सीनियर SP को दिया, DSP को दिया, CTSP को दिया, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ और ये धरले से कानून का उल्लंघन कर अदालत के आदेश का उल्लंघन कर अपना निर्माण कर जारी रखे हुए हैं, जबकि जो वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उसी डेड वेरी प्लॉट पर रहते हैं, उसी जगह पर रहते हैं। इन लोगों के घर में तोड़ फोड़ मचाना, अपराधकर्मी लोगों को भेज के इन लोगों को तंग करना, इनकी औरतों के साथ में मिसबिहेव करना, यही करके सोचते हैं कि इन लोगों को निकाल के बाहर कर देंगे वहाँ से और फिर अपना जो मकसद में कामयाब हो जाएंगे, जबकि ये लोग वहीं पे अभी भी रह रहे हैं और रजिस्ट कर रहे हैं, अब बहुत दयनीय स्थिति में रह रहे हैं, इन लोग घर को जर्जर कर दिया है। मतलब जो यहाँ के स्थानीय जो रेंटर है वो कुमुद झा के द्वारा ये लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि जितनी भी जमीन है वो उस पे कब्जा कर सके। प्रशासन क्या कहता है? प्रशासन थाना प्रभारी का क्या कहना? प्रशासन कुमुद झा के आगे लाचार है, और उसके खिलाफ जो है कोई ऐसा कदम नहीं उठाती है जिससे कि उसको लगे कि इस देश में, इस राज्य में कानून व्यवस्था भी है। सर आपने जब आवेदन देने की कोशिश की तो थाना से आपको रिसीविंग मिला? हाँ मिला। और थाना ने आपको क्या आश्वासन? थाना बोला कि ठीक है हम बंद करवा दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपना काम जारी रखे हुआ था। बंद करवाने के धारा 144 लागू करना पड़ता जमीन? नहीं, ये तो 144 से बहुत ऊपर की चीज है, ये तो सिविल कोर्ट का ऑर्डर है, SDO तो उनके सामने कुछ है ही नहीं, ये सिविल कोर्ट का ऑर्डर है। तो सर जब जिसमें बोला गया है कि यथा स्थिति यहाँ पे बाहर रखा जाए तब तक के अंतिम फैसला के बाद नहीं हो जाता है। तो जब मामला कोर्ट में चल रही है उसके बावजूद भी बार बार निर्माण कार्य करना, इनका वायलेशन कर रहे हैं कोर्ट, क्या मंशा क्या हो सकती है? इसके पीछे मंशा ये है कि अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम कानून से ऊपर, मेरा कोई कुछ नहीं, मैं पैसा और पैरवी में हम कुछ भी करवा सकते हैं, कर सकते हैं। आप प्रशासन से आप क्या गुहार लगाना? प्रशासन से ही गुहार है तत्काल प्रभाव से इस निर्माण कार्य को बंद कराया जाए और जब तक ये कोर्ट का फैसला अंतिम नहीं आ जाता है तब तक ये बंद रहे। अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सलीम साहब हुआ और मैं इस जमीन का मालिक हूँ और एग्रीमेंट मेरे ही नाम से है, लेडी रानू प्रीति मुखर्जी के द्वारा, और पावर भी उनका अथॉरिटी लेटर भी हमको दिया हुआ है जिसके, लेकिन 1986 से हम यहाँ पे दखल कब्जा में हैं और ये लोग जो है मेरे बगल में बैठे हैं यहीं पर। मेरा नाम नेपाल चंद्र प्रामाणिक, हम लोग करीब यहाँ 1960 से रहते आ रहे हैं, अभी तक हैं, और हम लोग का भी न्यायालय में मामला लंबित है, मामला का नंबर 30/19 केस नंबर है। अच्छा,
उसके बाद हम लोग का पहले भी केस हुआ था जो एडवर्स पोजीशन का था, उसमें हम लोग को कोर्ट के कोर्ट में जो आदेश हुआ वो गलत आदेश कर दिया। मरा हुआ आदमी के ऊपर हम सब्स्टिट्यूट करने के लिए दिए थे, उसको नहीं कुछ करते हुए उन्होंने फाइनल ऑर्डर मार दिया, सीधे फाइनल ऑर्डर कर दिया। और उसके बाद कर क्या रहा हूँ अभी 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 जबरन हम लोग को मैंने करीब करीब आज मैंने 20 साल के अंदर में कितना बार जो सफाई के नाम पर कितना बार कंस्ट्रक्शन करने का तरीका अपना यार कितना तरीका से हम लोग को वहाँ से भगाने का कोशिश किया, बहुत तरह का असामाजिक तत्वों का आदमी लोग को हर बार मैंने यहाँ का जितना भी ये असामाजिक तत्वों का आदमी को सब जगह हाथ लगाया है, कहीं नहीं है, सब ग्रुप में लगा से एक बार वहाँ से लाता है, कभी वहाँ से लाता है, कभी यहाँ से करके वो तबाह करके रख दिया। और घुसने निकलने का गेट को आप लोग देख लीजिए कि इतना ऊँचा कर दिया है कि साइकिल भी पार करने के लिए मुश्किल होता है। बाहर से पानी ले जाते हैं हम लोग, पानी ले जाने के लिए हम लोग को तरसना पड़ता है, और लाइट वाइट का पानी कोई व्यवस्था है यहाँ ये नहीं है, अभी सब व्यवस्था को हम लोग को बांधित करके रख दिया है। और हम लोग को तरह तरह का मुकदमा भी कर रहा है, झूठा एफ आई आर बार बार ये मैंने हम लोग को कर रहा है, कभी रंगदारी में लगा दे रहा है, कभी चोरी में लगा दे रहा है, कभी कुछ ना कुछ मैंने अच्छा, कभी आप लोगों को ऐसा बोला गया कि हम आपको मुआवजा देते हैं इसके बदले, कभी कुछ इस तरीके का लालच दिया गया उनके द्वारा कि आप अपना मकान खाली करें और हम आपको मुआवजा दे रहे, इस तरीके का भी कुछ बयान दिया गया? ऐसा भी बात हुआ है, बहुत बार हो चुका है, लेकिन वे बात पर हम कभी उस बात पर हम ध्यान नहीं दिए, उस बात पर हमको कोई ये नहीं हुआ, हमको न्यायालय से हमको विश्वास था, न्यायालय के भरोसा में ही हम अभी तक हैं। जैसा कि आपने बताया था कि आपके घर के आसपास जो खुली जमीन है वहाँ पे असामाजिक तत्वों द्वारा लोगों के द्वारा नशीली पदार्थों का सेवन भी होता है, सेवन भी होता है, घर में बच्चे हैं, फैमिली है, वो भी है, तो प्रशासन को क्या आपने ये बात बताई अपने लोकल थाना में? बताएं तो बताएं हैं प्रशासन को, बताएं, पता प्रशासन आता है तो वो लोग भाग जाता है, साइड हो जाता है, ये हो जाता है, जैसे वो लोग पर कार्रवाई कुछ इस तरह का नहीं हुआ अभी तक। और मेरे बच्चा करीब मैंने 16 साल का है, उनको ही रंगदारी केस में फंसाए हुए हैं अभी फिलहाल। मेरा बीबी को ड्यूटी में रहती है और उसको भी फंसाया गया, मैंने मेरे ऊपर इतना इतना तरह तरह का क्लेम किया है ना, इतना तरह तरह का भगाने का वहाँ से हटाने के लिए बहुत तरह से कुमुझा इतना तरह का केस हमको फंसाया है, इतना तरह का हमारा केस है, कम से कम 20-25 को केस न्यायालय में चल रहा है। बीबी पर क्या इल्ज़ाम लगा? बीबी पर भी यही रंगदारी का केस है, एफ आई आर कॉपी है, देख लीजिए बीबी के ऊपर भी यार, बच्चा के ऊपर में देख, ये है जो किसी का घर को रोकने जा रहे हैं हम लोग, आपका हमारा पड़ोसी का किसी का घर में ये हो रहा है, तोड़फोड़ हो रहा है, उसको रोकने गए तो उस पर एफ आई आर हुआ मिथिलेश सिंह के नाम पर एफ आई आर हुआ है, और उस पर हम नाम हम केस में नाम हो जा रहा है नेपाल चंद्र प्रामाणिक और मेरा बेटा का नाम हो रहा है, नेपाल का बेटा। इसमें एक हम चीज़ बोलना चाहेंगे कि नगर निगम से जो नक्शा पास हुआ है उसका ये कॉपी है, ठीक है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि कॉलम है ई, द लैंड इन क्वेश्चन मस्ट बी इन लॉफुल ओनरशिप एंड पीसफुल पोजीशन ऑफ द एप्लीकेंट, जो कि नहीं है उनका पीसफुल पोजीशन। अब आइए इसमें है कि एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड रिकॉर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द राइट टाइटल इंटरेस्ट आफ्टर दिस अप्रूवल द प्लान शैल बी ट्रीटेड ऑटोमेटिकली कैंसिल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूट तो चल ही रहा, केस भी चल रहा, राइट टाइटल का ही चल रहा, लेकिन फिर भी नगर निगम इनका प्लान सैंक्शन करता है, और इसमें क्लॉज है नगर निगम का ही कि कोई भी राइट टाइटल इंटरेस्ट का केस अगर चल रहा तो नक्शा पास नहीं हो सकता है, अगर पास हो भी जाएगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन फिर भी ये नगर निगम के मिली भगत से अपना काम ये जारी रखे हुए हैं, अभी तक उसको टर्मिनेट नहीं किया, ये हम इसको आपको रेफर कर रहे हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।